भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी डीह गांव में शराब पीने से जहां आनंद नामक युवक की घर पर ही मौत हो गई थी, वहीं उसकी चचेरे भाई सुबोध की मौत इलाज के दौरान भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में हो गई थी। दो भाइयों की शराब पीने से हुई मौत के बावजूद भी प्रशासन लीपापोती में लगी हुई है, जबकि मौत के पहले सुबोध ने इस शराब पीने की बात कबूल की थी। क्या क्या खाए पिए थे? खाए पिए थे क्या चीज? दर्द पी थी। कब? कल। मौत के बाद सुबोध के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। वहीं पुलिस ने परिवार वालों पर दबाव बनाया कि वो यह बताएं कि बीमारी से मौत हुई है और परिवार वालों से शादी कागज पर साइन भी करवा लिया। बोला था कि सब नहीं बोलिए, शराब तराब पिए ला, खाली बोलियो कि पेट में दर्द है, छाती में दर्द उठे छे, लेटरिन पखाना वाला छे, दो साल से मन खराब छे, दवा सुइया सब चले छे, इतने टा बोलो छे। लोदीपुर थाना साइन भी कराया कागज पर? कई कागज पर? दो कागज पर साइन कर ला छे। लेकिन सुबोध तो बोला था कि शराब पिया है उसने, शराब पिया था ना? बोलो चले क्या कि शराब पीला चले। सुबोध की पत्नी प्रीति देवी, बहन पिंकी देवी और माँ सुलेखा देवी चीख चीख कर सुबोध यादव की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है उसकी गवाह दे रही है। वहीं दोनों भाइयों की शराब पीने से हुई मौत के बावजूद भी प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ है, जबकि मौत के पहले सुबोध ने शराब पीने की बात कबूल की थी। मौत के बाद सुबोध के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। वहीं पुलिस ने परिवार वालों पर दबाव बनाया कि वो यह बताएं कि बीमारी से मौत हुई है और परिवार वालों से शादी कागज पर साइन भी करवा लिया गया। एक और जहां सुबोध की पत्नी, बहन और मां चीख चीख कर कह रही है कि सुबोध की मौत शराब पीने से हुई है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई छोड़कर शराब से हुई मौत को छुपाने में लगी हुई है। सुबोध के साथ कुणाल शेखर की खास रिपोर्ट।